नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे भी धूर्त मानसिकता के चिलगोजे हैं जो आए दिन अपने पेट पालन के लिए जो काल्पनिक चरित्रों का निर्माण कर रखे हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, कोई पुरातत्व प्रमाण नहीं है, फिर भी वो प्राचीन काल के कुछ पुरातत्व प्रमाणों को दिखाकर कभी अपने काल्पनिक राम कृष्ण और सीता से जोड़ लेते हैं, तो कभी उसे पांडवों से जोड़ लेते हैं और उसे महाभारत युगीन प्रचारित करने लगते हैं। इसी कड़ी में ये एक चित्र आप सामने देख रहे हैं। इस तरह के कुछ चित्र ये लोग सोशल मीडिया में दनादन प्रचार करते जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि ये राम कृष्ण और सीता के चित्र हैं, जब वो वनवास में थे तब उन लोगों ने इसे बनाए थे या उन समय के लोगों ने बना दिए थे, और कुछ लोग बता रहे हैं ये पांडव जब वनवास में थे उस दौरान के हैं, तो ये अर्जुन के सभ्यता के हैं, ये महाभारत की सभ्यता के हैं। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देख लीजिए, इसकी पूरी फैक्ट चेकिंग हम करेंगे इस वीडियो के सेकेंड हाफ में। पहले हम ये जान लें कि ये भ्रम पैदा क्यों होता है। जब ये लोग अफवाह फैलाते हैं तो बाकी के लोग इसे सच कैसे मान लेते हैं। उन धूर्तों के बच्चे तो ऐसा प्रचारित करते हैं तो वो समझ में आता है कि चलो उनके बाप दादों का ये धंधा है, बेचारे फेक न्यूज न फैलाएंगे तो उनका पेट का धंधा ही नहीं चलेगा। लेकिन पिछड़ा वर्ग यानी कि शूद्र वर्ग, अंत्यज वर्ग यानी कि SC ST वर्ग, ये क्यों ऐसे झांसे में फंस जाते हैं? तो इसका मूल कारण ये होता है कि ये लोग इतिहास भारत का कब से शुरू हुआ इसी बात को नहीं जानते हैं। जब क्लास में पढ़ाई होती है तो इतिहास तो इन्हें बोरिंग लगता है। जो स्वर्ण शिक्षक होता है यही प्रचारित करता है इतिहास तो बहुत अधिक बोरिंग सब्जेक्ट है। फिर जितने भी स्वर्ण हैं वो दिन रात अपने आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उनमें भी यह प्रचारित करते हैं कि BA की पढ़ाई और घास की चराई बराबर होती है, यानी कि BA पढ़ा दोगे, इतिहास पढ़ा दोगे तो बच्चे का करियर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रखा है इतिहास में। ऐसा प्रचारित करने के पीछे उनका मूल कारण यही होता है कि भारत के जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC ST वर्ग है, वो अपना इतिहास न जान पाए। यहाँ तक कि जो स्वर्ण समाज है उनके भी बच्चे अपना इतिहास न जान पाए। अब धूर्तता देखिए, इतिहास न जान पाए तो फिर जाने क्या इतिहास के नाम पर। इनकी यही काल्पनिक जो गपोड़ लीला है, रामायण महाभारत वेद पुराण, ये सब जाने, अब इनके धार्मिक ग्रंथ जाने उसके बदले में। तो ये इनका मूल षड्यंत्र होता है कि ये काल्पनिक रामायण महाभारत वेद पुराण का झुंझुना पकड़ा देना। तो इसीलिए इतिहास जानना जरूरी है। अगर आप इतिहास जान जाएंगे, उसके समय कालखंड को जान जाएंगे तो आप तुरंत इनकी चोरी पकड़ लेंगे। तो इसीलिए मैं आज आपको एक संक्षिप्त व्यू दे देता हूँ कि भारत का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, उनका समय कालखंड क्या था, जिससे आपको फैक्ट चेकिंग समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, भारत के इतिहास को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। ये वो कालखंड है जिसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। प्रमाण मिलते हैं इंसान होने के, पत्थर के औजारों के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य इतिहास। इसमें लिखित प्रमाण तो मिलेंगे लेकिन हम सफल नहीं हो पाए हैं उसे पढ़ने में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल जो कि बुद्ध के समय से शुरू होता है, यानी ईसा से 600 साल पहले शुरू होता है। इसमें तमाम ऐसे पुरातात्विक प्रमाण मिलने लगते हैं जो लिखित हैं और जिन्हें पढ़ा जा सका है। तो भारत का इतिहास लिखित रूप से बुद्ध के समय से शुरू होता है। उसके पहले कहीं भी कोई लिखित प्रमाण को अभी तक हम नहीं पढ़ सके हैं, और जो पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उन्हीं को देखकर तो जितनी मुंह उतनी बातें होती रहती हैं। तो अब आइए थोड़ी सी और मैं आपको डिटेल्स में बता दूं कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसको भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। दरअसल ये युग हिम युग था, इसमें बर्फ ही बर्फ बिछे हुए थे, काफी ठंड थी, और इस कारण से इस दौर में जो होमो सेपियंस था वो बिल्कुल ही इनिशियल दौर में था। तो इस पाषाण काल को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, यानी कि पालियोलिथिक एज कहते हैं। इसके बाद से जो दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे कि मेसोलिथिक एज कहा जाता है, और इसका समय कालखंड बताया गया है 9K BC से लेकर 4K BC तक, यानी कि आज से 11,000 साल पूर्व से लेकर 6,000 साल पूर्व के बीच के काल को मध्य पाषाण युग कहा गया है। और इसके बाद से तीसरा है नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल, और इसकी जो अवधि बताई गई है वो बताई गई है कि सिंधु सभ्यता घाटी तक इसके प्रमाण मिले हैं। तो ये जो 3 भागों में बांटा गया है इनको जलवायु और जो क्रमिक विकास हो रहा था इनके आधार पर कैरेक्टराइज किया गया है। अब ये जो पहला है पूरा पाषाण काल, इसमें इंसान नुकीले पत्थर बनाकर जानवरों का
शिकार करता था और इसके कई सारे पुरातात्विक सबूत भी मिल चुके हैं। बहुत से साथियों ने एक किताब के लिंक की डिमांड की थी। किताब का नाम था भ्रम का पुलिंदा, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड की गई थी हमारे दर्शकों के द्वारा। वो किताब मैं बता दूं कि सम्यक पब्लिकेशन से छप चुकी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पब्लिशर्स का कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट करके किताब को मैनुअली या उसकी हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। तो इसी किताब में भी ये पूरा इतिहास दिया गया है और मैं बार बार कहता हूँ कि इतिहास अगर आपको जानना है तो अपने राइटरों से जाने, जो लोग बहुत ही बेहतर शोध करके एक एक पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके इतिहास लिखते हैं, ऐसे इतिहासकारों की किताब पढ़ना बेहद ही जरूरी है। अन्यथा ब्राह्मणवादी इतिहास में फंस कर आप अपना इतिहास भूल जाएंगे और ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ते रह जाएंगे। तो इसी किताब में जो लेखक राजीव पटेल जी हैं, वो पेज 1 पे ही लिखते हैं कि भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष इलाहाबाद की बेलन घाटी, वर्तमान पाकिस्तान की सेहन घाटी, तमिलनाडु के कुरनूल, कर्नाटक के हुक्सी, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के डिडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिघनपुर में भी मिलते हैं। चूंकि इस पूरा पाषाण काल में इंसान का विकास चरण एवोल्यूशन सबसे ज्यादा हुआ तथा क्लाइमेट परिवर्तन भी हुआ, इसीलिए फर्दर इसको 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें से पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल जो था, इसके पुरातात्विक सबूत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं। स्पेशली आप सोहन नदी की घाटी पे सिंधु घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी पर देख सकते हैं। इस कालखंड के जो औजार थे वो थे हस्तकुठार, खंडक, विदारणी। अब देखिए औजारों में भी परिवर्तन होते जाएगा, क्योंकि क्रमिक विकास हो रहा था, क्लाइमेट भी चेंज हो रही थी। तो जो दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल है, इसमें हथियार और बेहतर होने लगे, यानी पत्थर के जो सल्क होते हैं उनका उपयोग होने लगा। अब सल्क क्या होता है, जो पत्थर की पपड़िया होती हैं उसका इस्तेमाल होने लगा और इस तरह से और भी नुकीले पत्थरों के हथियार बनने लगे, जैसे फलक, वेधनी, छेदनी जो छेद किया जाता है और खुरचनी भी मिलते हैं। वेधनी और फलक तो बहुत सारे प्रमाण मिले हैं इस कालखंड के। और इसके बाद से तीसरा जो है उच्च पूरा पाषाण काल, इसका कालखंड बताया गया है 40,000 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट से लेकर 10,000 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट। अब ये कालखंड जो हिम युग था, यानी आइस एज की जो अंतिम दौर था वह था। इसमें जलवायु परिवर्तन तेजी से हुआ, ह्यूमिडिटी कम हुई, तो इंसान का भी जो क्रमिक विकास था वो तेज हुआ और इसमें उसने और भी ज्यादा नुकीले और तेज हथियार बना लिए थे और इसके बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं। आप इसे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठारों में देख सकते हैं। इसके बाद से जो दूसरा कालखंड था मध्य पाषाण काल, जो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC के बीच में माना गया है और ये हिम युग इस समय समाप्त हो गया था और जलवायु में काफी परिवर्तन हुआ था, मौसम थोड़ा गर्म हो गया था, तो इंसान इसमें कृषि करने लगा। इस दौर में जौ, गेहूं, धान की फसलें उगने लगी, इनके प्रमाण मिले हैं। तो एक चीज देख लीजिए कि आज से 12,000 साल पहले से लेकर 6,000 साल पहले के बीच में खेती की फसलों के प्रमाण मिल रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जो लोग 17-18 लाख साल पुराना रामायण और उससे पुराना वेद बताते हैं, वो लोग क्या फसल नहीं खाते थे, या गोबर खा के रहते थे या गोमूत्र पी के रहते थे? और हथियार, तलवार, भाले कहां से मिल गए उन्हें? अभी तो ये मध्य पाषाण काल की बात चल रही है। तो ये वो दौर था, इसमें ये भी प्रमाण पाया गया कि इंसान गुफाओं में रहता था, पशुपालन करना भी सीख गया था और इसके बहुत सारे पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। मैसूर, कर्नाटक में इस युग की गुफाएं भी मिली हैं जिसमें इंसान रहता था। इसके बाद से नव पाषाण काल आया, तो इस नव पाषाण काल का जो समय कालखंड बताया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता तक बताया गया है, जहां मध्य पाषाण काल खत्म हो रहा था और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो शुरू हो रही थी, यानी कि जो कॉपर एज शुरू हो रहा था उससे पहले का जो समय कालखंड है उसको कहा गया नव पाषाण काल। और इस कालखंड में ऐसा पाया गया कि जो दीवारें होती थी गुफाओं की, उस पर कुछ चिन्ह और आकृतियां भी इंसान बनाने लगे थे। अब जो आज का जो फेक न्यूज था वो इसी कालखंड का है, यानी कि पिछले 6,000 साल से लेकर जो 4,500 साल के बीच का दौर है, इसी कालखंड
के ये चित्र हैं। अब ध्यान से देख लीजिए इन चित्रों को। इन्हीं चित्रों को कोई रामायण काल का बता रहा है और कोई महाभारत काल का बता रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये रामायण काल का हो सकता है, महाभारत काल का हो सकता है? ये नवपाषाण काल युग की बात हो रही है। पाषाण काल यानी कि उस समय कोई भी धातु के हथियार नहीं थे। जब धातु के हथियार नहीं थे तो काहे का महाभारत, काहे का रामायण, और कैसी पोशाकें वो पहनते थे? इतनी भव्य पोशाकें कहां से उस समय पहुंच गई थी? और चित्रकला ऐसी होती है, एक तरफ आप विकसित समाज बता रहे हो कि रामायण बहुत विकसित समाज था, आप पुष्पक विमान बता रहे हो, मुंह खोला, शब्द गपोड़ा, उड़ा दिया पुष्पक विमान, न पेट्रोल की जरूरत, न डीजल की जरूरत, बस शब्द ही तो गपोड़ना है, धड़ाधड़ उड़े जा रहा है। तो इतनी विकसित सभ्यता नवपाषाण काल की थी। अब महाभारत का भी ले लो भाई, इनके पास तो आग्नेय शास्त्र था, परमाणु बम था, मिसाइल्स थी, टैंक थी, पता नहीं कौन कौन से शास्त्र थे। तो ये नवपाषाण काल के लोग थे, कहां से हथियार बना लिए थे? पत्थरों के हथियार बना लिए थे, पत्थरों के परमाणु बम बना लिए थे, पत्थरों के आग्नेय शास्त्र बना लिए थे, घोड़े का प्रमाण नहीं, और महाभारत युद्ध लड़ा दिए। तो ये महाभारत के पांडवों का चित्र है, उनकी लड़ाई हो रही है कौरव पांडवों में। क्या बकलोली है, क्या नौटंकी है? दरअसल सच्चाई ये है कि ये जो चित्र दिखाए जा रहे हैं, ये जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका जगह है और देउर कोठार, जिसे कि देव कोठार भी आजकल लोग कहने लगे हैं, उसी की पहाड़ी गुफा के हैं। और उस समय चूंकि इंसान गुफाओं में रहता था पाषाण काल में, तो वो इस तरह की चीजें बना लिया करता था। अगर ये किसी रामायण या महाभारत के होते हैं तो ये इस तरह से बनते? क्या वो अनपढ़ थे, गंवार थे? क्या उनके गुरुकुल में उन्हें पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता था, चित्र बनाना सिखाया जाता था? और चित्र बना के उसके नीचे अपना राम लक्ष्मण सीता या फिर अर्जुन कृष्ण युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम ये सब लिखना नहीं आता था, या कोई इवेंट्स का नाम लिखना नहीं आता था? अनपढ़ गंवार थे क्या? वहाँ पे कौन से गुरुकुल में कौन सी पढ़ाई होती थी? सच्चाई तो यह है कि इनकी आज तक न कोई गुरुकुल मिली है, न उसका एक सिंगल सा ट्रेस मिला है। कहां से मिलेगा? भारत में तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज मिली है, वो भी बुद्धिस्टों की। आज तक इनका एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिला है किसी काल्पनिक गुरुकुल का। अरे होता तब तो मिलता, कागज पे गपोड़ दिया शब्द, उससे मिल जाएगा। तो सच्चाई ये है कि ये जो चित्र दिखा के जो धूर्त प्रचारित कर रहे हैं कि ये राम कृष्ण सीता का चित्र है या फिर महाभारत का है, ये पूरी तरह से टोटल फेक न्यूज है। और ये चित्र नवपाषाण काल का है, जिसमें धातुओं तक के हथियार नहीं बनाए जा सके थे। तो ये बातें अगर आप जान जाते हैं, कालखंड से जान जाते हैं कि कब तक पत्थरों के हथियार बनते थे, कब से धातु का हथियार शुरू हुआ, कब से लोहे युग शुरू हुआ, तो आप पूरा का पूरा इनका घालमेल पकड़ लेंगे। अब अगर और किसी को भी डाउट है कि राम कृष्ण सीता लक्ष्मण इत्यादि के प्रमाण उसके पास हैं, तो साइंस जर्नी का ही एक दूसरा चैनल है रेशनल वर्ल्ड, जिस पे डिबेट की जाती है और उस पे सभी को ओपन इनविटेशन है। जो भी जिसके पास भी सबूत है, प्रमाण है, वो अपने आका को लेकर आए, अगर वो नहीं बोल पाता है तो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो आकर समय खराब करे, जो उनका बेस्ट से बेस्ट स्पीकर हो, जो सबूत दे रहा हो, जो उसका इतिहासकार हो, उसे लेकर आए रेशनल वर्ल्ड पे। पूरा स्वागत होगा, पूरा समय दिया जाएगा, आकर साबित करें। और नहीं साबित कर पाए इन काल्पनिक फर्जी कथा कहानियों को, तो फिर जो एक्चुअल इतिहास है उसे स्वीकार करें और उसे ही प्रचारित करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद शेयर करना तो कतई न भूले। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।